हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरीज राशि के बारे में, यानी मेष राशि के बारे में, और मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या उनका करियर होता है, कैसी उनकी हेल्थ होती है, कैसी उनकी मैरिज होती है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एरीज को अगर आपको समझना है तो पहले आप ये देखें कि आपके बर्थ चार्ट में मून किस साइन में प्लेस्ड है। अगर मून आपके बर्थ चार्ट में नंबर वन में प्लेस्ड है तो आपकी जो राशि है वो एरीज है। और आपका एसेंडेंट, कुंडली के अंदर जो चार घर होते हैं, बीच वाले जो चार घर होते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला खाना होता है उसको एसेंडेंट बोला जाता है। अगर उसमें एक नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो एसेंडेंट है वो एरीज हो गया। तो या तो आपकी जो मून साइन है वो एरीज होना चाहिए या आपका एसेंडेंट एरीज होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैच करता है तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं एरीज वालों के बारे में। एरीज जो राशि है वो 12 राशियों में से सबसे पहली राशि मानी जाती है। यानी जो हमारी 12 राशियां हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, उसके बाद पाइसिस, ये जो 12 आपकी राशियां हैं इनमें से सबसे पहली जो राशि है वो है एरीज। एरीज का सिंबल है भेड़, आपने पोस्टर में देखा होगा, तो वो एरीज का सिंबल है। एरीज राशि का जो स्वामित्व है वो मंगल के पास है, यानी मंगल इसका स्वामी है। तो जो मंगल इसका स्वामी हुआ तो इसका स्वभाव मंगल के जैसा होगा। यानी जैसे मंगल का स्वभाव होता है, बड़ा ही एग्रेसिव, बोल्ड, आउटस्पोकन, जोशीला, हिम्मत वाला, गुस्से वाला, तो ऐसा स्वभाव एरीज वालों का होता है। अब जॉर्डिक बेल्ट की सबसे पहली राशि एरीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी काम की जो शुरुआत है उसका सबसे पहला जो हक है वो एरीज के पास है। तो एरीज वाले लोग सबसे आगे आके काम करना चाहते हैं, पायनियर होते हैं, अपने जो भी इनका ग्रुप होता है उसके ये पायनियर लीडर होते हैं। सबसे पहले काम करना, सबसे पहले उठना, सबसे पहले स्टार्ट करना, सबसे पहले शुरुआत करना, और अपने ऐसे रोल के लिए जाने जाते हैं जहां पर जोखिम भरा काम हो, जहां पर खतरे वाला काम हो, जहां पर रिस्क हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, साहसी होते हैं, तो ऐसे काम को ये आराम से अंजाम दे सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर एरीज वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। कोई नया स्टार्टअप करना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी होती है, जोश होता है, ये अपनी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं, टीम स्पिरिट इनके साथ रहती है और बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। मंगल, जैसे मैंने बताया कि मंगल का संबंध एग्रेशन से है, गुस्से से है, मंगल एक फाइटर की तरह काम करता है, तो मंगल के स्वामित्व के होने के कारण एरीज वाले लोग मिलिट्री, पुलिस, ऐसी सर्विसेज में भी देखे गए हैं। दूसरी जगह यह है कि जहां पर आपका जो शरीर है, जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा जो भी काम होता है, जहां पर आपकी ऊर्जा, जहाँ पर आपकी एनर्जी लगती है, जैसे स्पोर्ट्स का काम हो गया, स्पोर्ट्स खेल हो गया, खेल कूद से संबंधित कोई काम हो गया, जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, ऐसा कोई अगर काम है तो उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कि एरीज की जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। यानी आपके अंदर जो आपका स्वभाव है, कुछ आपका स्वभाव ऐसा है जो आपको फ़ायदा पहुँचाता है और कुछ आपका स्वभाव ऐसा है जो आपको नुकसान पहुँचाता है। आप सबसे पहले काम करते हैं, ये अच्छी बात है। आप सबसे फास्ट काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं, काम के अंदर जोश होता है, उत्साह होता है, साहस होता है, डेयरिंग होती है, ये आपके लिए अच्छा है, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप काम के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो और काम को आप अंजाम दे देते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार आता है। तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो एरीज वाले लोग अगर ना करें, कंट्रोल करें, संयम करें, थोड़ा
थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सूझबूझ के काम करें, समझदारी से काम करें, तो इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। प्रेम के मामले में ये लोग बड़े वफादार होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए लड़ना मरना कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, अपने साथी के साथ रहना पसंद करते हैं और उसको खतरों से भी बचाते हैं। कोई परेशानी अगर उसके साथ होती है, कोई खतरा होता है, तो ये उनको बचाने की भी कोशिश करते हैं। दोस्ती यारी के मामले में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। जब लोगों से मिलना हो, लोगों के साथ घूमना फिरना हो, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और अपने दोस्त के लिए, अपने भाइयों के लिए ऑल टाइम तैयार रहते हैं, चाहे वहाँ पर इनको खुद का ही नुकसान करना पड़े, चाहे पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे शरीर का नुकसान हो जाए, चाहे टाइम का नुकसान हो जाए, लेकिन ये अपनी दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो हाई बीपी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि थोड़े रेस्टलेस होते हैं तो इनको स्ट्रेस हो जाता है, ज़्यादा नींद नहीं लेते हैं तो इसलिए भी स्ट्रेस हो जाता है। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल एरीज साइन का स्वामी है। तो मंगल की एनर्जी इनके शरीर में होती है और उसके चक्कर में रेस्टलेस हो जाते हैं, तो ये सारी बीमारी होती है। और बिना रुके काम करते हैं, आराम कम करते हैं, नींद कम लेते हैं, तो इसके चक्कर में कई बार इनको हेल्थ से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक तो रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जोश दिखाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें, थोड़ा धैर्य रखें। साहस आपके अंदर है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके साहस के साथ आपकी बुद्धि अगर आपका साथ दे और आप संयम से काम करें, तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है।